press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर मैं ढेर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, ट्रिक्स लेकर आता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये CPM क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, जैसा मैंने बता रखा है कि हमें 1000 व्यूज पे कितना मिलता है या किसी अदर कंट्रीज को कितना मिलता है। तो आज मैं कंपेयर कराने जा रहा हूँ ये CPM क्या होता है, कैसे ऊपर और नीचे जाता रहता है। तो खास तौर से जिनका मोनेटाइज है उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और जिनका मोनेटाइज होने वाला है या जो मन लगा के काम कर रहे हैं, वो मोनेटाइजेशन कराना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये CPM क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। जी हाँ दोस्तों, एक माइल का मतलब यहां पर होता है 1000 व्यूज, कि 1000 व्यूज पे आपको कितने डॉलर मिलेंगे जिन्हें आप कन्वर्ट करा पाएंगे अपनी खुद की होम करेंसी में। तो कैसे करना है ये सब मैं आज आपको डिटेल में देता हूं कि ये CPM कैसे वर्क करता है। और बहुत से लोग जो YouTube पे मोनेटाइज हैं उनको ये बात गौर करनी चाहिए कि CPM कैसे डिसाइड होता है, आपको किस तरह से तनख्वाह मिलती है YouTube की तरफ से। तो यहां पर जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये CPM इंडिया के अंदर कितना है। दोस्तों ये आए दिन ऊपर जाता है और नीचे जाता है, लगभग 1.5 के आसपास ये एवरेज रहता है, लेकिन ये ऊपर भी जाता है और कभी कभी ये 2 तक चला जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जनरली कम रहता है। ऐसा क्यों रहता है मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन वही चीज आपका यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो 8 और 10 तक चला जाता है, यानी कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है वहां का। यानी कि हमें 1000 व्यूज पे मिलेंगे 1 से 1.5 डॉलर और उनको मिलते हैं सामने वाले को लगभग 10 डॉलर के आसपास। तो कैसे ये सब गेम होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर हम कन्वर्ट कराएं 10 डॉलर को रुपीस में, तो अगर आप 70 का भी रेशियो निकाल लेंगे तो काफी ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 डॉलर का कन्वर्ट कराएं तो यहाँ पर आपके 70 रुपीस के आसपास बनता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर कुछ चाहते हैं कि 70 रुपीस के आसपास भरपेट खाना खाना चाहें तो शायद आप खा पाएंगे, आपको इजिली फूड मिल जाएगा 70 के आसपास। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की या किसी अदर कंट्री जहां चलता है डॉलर, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा मुश्किल आएगी, वहां आप 1 डॉलर में खाना नहीं खा पाएंगे। एक जो फैक्टर था वो ये था कि हमारे लिए 1 डॉलर बहुत होता है इन कंपैरिजन टू एक यूएस सिटीजन, यानी वहां पर 1 डॉलर में आप भरपेट खाना नहीं खा पाएंगे। तो यहीं पे जो बात आती है कि उनको उसी काम का ज्यादा रुपए क्यों मिलता है और हमको कम क्यों मिलता है, वो यही होता है कि YouTube जो होता है वो इन्फ्लेशन को देखते हुए और सारी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जो है डिसाइड करता है कि किसका CPM कितना होना चाहिए। तो जो मेन फैक्टर वो यही है कि हमें 1000 व्यू का कम मिलता है और सामने वाले को ज्यादा मिलता है, उसके पीछे एक रीजन यही था कि YouTube जो है चलता है इकोनॉमी बेस्ड, कि किस जगह की इकोनॉमी कैसी है। अगर वहां 70 रुपीज में भरपेट खाना मिल रहा है, वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ 70 रुपीज की अच्छी खासी वैल्यू है, लेकिन वहां 1 डॉलर की वैल्यू नहीं है ज्यादा। और जैसे यहाँ पर आपकी 1 रुपीज की वैल्यू नहीं है, वहां पर ऐसे ही जो है 1 डॉलर की उतनी वैल्यू नहीं, क्योंकि वो वहां पर सिंगल पे कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 70 रुपीज अच्छे खासे हो जाते हैं। एक जो बेसिक रीजन था वो यही था कि वो लोग जो है किस तरह से अपना इकोनॉमी मेंटेन करके चलते हैं, इसीलिए इस तरह का CPM में डिफरेंस देखा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।